नागपुर के हुडकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस ने प्रशंसनीय कार्य किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि किसी आदमी को चाकू घोपा गया है। उसी समय सौभाग्य से वहां से कुछ पुलिस कांस्टेबल एनपीसी प्रकाश गड़ेकर और एनपीसी गणेश वहां से जा रहे थे, तो उनकी इस घटना पर नजर पड़ी। वह तुरंत जख्मी को अस्पताल ले गए, जिसकी वजह से जख्मी की जान बच गई। पहले रात में हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी आदमी को चाकू भोका गया है, तो तुरंत हमारे और लकीली वहाँ से हमारे कांस्टेबल जा रहे थे और उन्होंने तुरंत उस चीज़ को देखा और उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए। तो ये चीज़ बहुत ही सराहनीय है कि हमारे कांस्टेबल ने तुरंत उस चीज़ को देख के उसको लेके गए, जिसकी वजह से उसकी जान बचाने में सबको सहायता हुई है। और पुलिस वालों के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि ये बाद में आते हैं, कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन इस मामले में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कांस्टेबल ने वो देखा और दूसरा कोई साधन अवेलेबल ना होने की वजह से उसको टू व्हीलर पे कांस्टेबल खुद उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो वो दो कांस्टेबल थे बीट मार्शल 3 के, एनपीसी प्रकाश गड़ेकर और एनपीसी गणेश करके। तो उनकी ये चीज़ जो है बहुत ही सराहनीय है और हमारे पुलिस वाले भी अच्छा काम करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जख्मी जो है उसको तुरंत इलाज के लिए हम लेके जब जाते हैं तो उसकी जान भी बच जाती है, और ये काम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमको लगता है। तपास और गुना दाखिल करना ये तो हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन जनता के प्रति जो हमारा पहला कर्तव्य है और सारी ही लोगों का, किसी भी सिटीजन का जो दूसरे की तरफ जो कर्तव्य है, वो हमारे पुलिस वाले ने निभाया है और इसके लिए हमें बहुत अभिमान है। ये जैसे विक्टिम ने बताया, जिसको चाकू भोका गया है, उसने जिस तरीके से बताया है कि रात में वो घूम रहा था और ये 3 आरोपी है जिनसे उसका पहले, मतलब एक आरोपी से उसका पुराना झगड़ा हुआ था दोनों के खिलाफ, मतलब ये जो विक्टिम है ये और वो जो आरोपी है उसके खिलाफ एनसीबी दाखिल की थी, दोनों पे प्रिवेंटिव एक्शन भी हुआ था, दोनों के अपने अपने पॉइंट्स थे, तो उनका पुराना रिकॉर्ड एक दूसरे के खिलाफ था। तो विक्टिम का कहना है कि वो घूमने जा रहा था रात में, तो ये लोग आए और एक ने चाकू भोंकने की कोशिश की, तो उसने अपना बचाव कर लिया, तो दूसरे ने उसके हाथ का चाकू लिया और उसको चाकू भोंका, और साथ में एक तीसरा भी था और उन्होंने उसको हाथ पैर से भी मारा है। तो ये 3 आरोपी हैं। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।